आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा हम लोग शेप को इस तरह से कर्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर्व किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल शेप है, ऊपर में इस तरह से कर्व किया हुआ है, नीचे भी देखिए इस तरह से कर्व किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर। और शेप पहले हम लोग बनाएंगे इस तरह का, रेक्टेंगल शेप हो चाहे स्क्वायर शेप हो उसे बनाकर। जनरली क्या होता है देखिएगा, जब विजिटिंग कार्ड बनाते हैं या कोई हम लोग बैनर बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमें इस तरह से कर्व शेप बनाना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। क्या करेंगे, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। होता क्या है, नॉर्मली देखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट में हम लोग जब जाते हैं यहाँ पे शेप में क्लिक करते हैं। अब यहाँ से कोई भी अगर शेप लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए मैंने एक नॉर्मल सा शेप लिया है, तो यहाँ पे देखिएगा जब ये फॉर्मेट टैब ऑन रहता है और आपका कोई भी शेप सिलेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ऑफ रहता है, देखिए एडिट शेप जो है ये ऑफ रहता है, ये काम नहीं करता है। तो क्या करेंगे, लेकिन हमें शेप बनाना है, शेप को कर्व करना है, तो करेंगे क्या, तो चलिए मैं आज आपको स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ, एकदम सिंपल तरीका बताऊँगा, एकदम यकीन मानिए देखने के बाद बहुत ईजी लगेगा आपको। तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुला हुआ है, मैं नॉर्मल से एक पेज लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑफिस बटन में गया, न्यू में क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ किया, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्रिएट का बटन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो नॉर्मल सा दिख, अब हमें करना क्या है, शेप को कर्व करना है। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप शेप पहले बना लीजिए। अब कैसे शेप बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब है, अलग अलग टैब्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, देखिए लिखा हुआ इलस्ट्रेशन, यहाँ शेप में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिसेंटली यूज शेप जो जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए लाइन का एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक देखिए लाइन के बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फ्री फॉर्म, ध्यान से देखिएगा फ्री फॉर्म लिखा हुआ है, देख सकते हैं फ्री फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें एक शेप बनाना है, कौन सा, या तो स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल शेप बनाइए, जितने बड़ा आपको बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक किया मैंने, देखिए इस तरह से फ्री फॉर्म टूल से पहला क्लिक किया, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन हमें करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए सीधा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, शिफ्ट की, कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखेंगे और एक बार क्लिक कर दिया। करने के बाद फिर मैंने शिफ्ट दबा के रखा है, ध्यान दीजिएगा शिफ्ट अगर छोड़ दीजिएगा तो देखिए तो सेटिंग नहीं होगा, तो शिफ्ट दबा के रखिए, उसके बाद इसको मूव कीजिएगा तो सीधा होगा, और माउस का लेफ्ट क्लिक किया फिर यहाँ पे आया इस जगह पे, देखिए यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखे एकदम सीधा लाइन, ये देखिए क्लिक कर दिया, अब ठीक यहाँ पे लाया, ये देखिए यहाँ से ये इस पॉइंट पे ला के हमें मिला देना है, ये देखिए मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट ये छोड़ के एकदम ठीक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एकदम रेक्टेंगल शेप एक मेरा बन चुका है, इसे छोटा बड़ा इस तरह ड्रैग करके आप कर सकते हैं, अगर बड़ा बनाना है छोटा बनाना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने एक शेप बना लिया, अब इसको क्या करना है, इसको कर्व शेप देना है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा हो सके आपको बहुत पतला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से मैं थोड़ा सा मोटा लाइन ले लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। जैसे देख सकते हैं एक लाइन इसका थिकनेस बढ़ गया, अब यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके इसको रेड कलर कर देता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट दिखाई दे अच्छी तरह से, आपको समझ पाइएगा अच्छी तरह से। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया है, शेप बन गया है, अब देखिएगा यहाँ पे ये ऑन दिखाई देगा, देखिए एडिट पॉइंट ये ऑन दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक ब्लैक कॉर्नर में आपको छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब इसको करना क्या है, अब नॉर्मली अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ पे शेप इस तरह से हो जा रहा है, देख सकते हैं, लेकिन कर्व नहीं हुआ, देखिए नहीं हुआ कर्व। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस जगह पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक कीजिए तो ऑप्शन आएगा, यहाँ से ऐड पॉइंट आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आ जाएगा, देख सकते हैं। इसको हटाना है तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट पॉइंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली आप नहीं भी राइट क्लिक करके कीजिएगा तो सिंपली आप यहाँ पे रखिए माउस पॉइंटर, अगर मैं इसको हल्का सा ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए इसमें पॉइंट आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए पॉइंट आ गया। तो दो तरीके से आप पॉइंट, ये नोट पॉइंट ला सकते हैं। अब रहा सवाल इसको भैया कर्व करना है, अब यहाँ पे पॉइंट पर रखा, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए स्मूथ पॉइंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया, जैसे स्मूथ पॉइंट पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए हैंडल आ चुका है। अब इस हैंडल को आपको जैसे चाहे, ये देखिए मैं सिंपली इस तरह घुमा दे रहा हूँ तो देखिए कर्व हो गया। इसको इस पॉइंट को आप चाहें तो जितना आपको ले जाना है इस तरह आप ले जाके इसको रख सकते हैं,
हैंडल से आपको जितना सेव करना है, ये देखिए इस हैंडल पे, इस पर क्लिक कीजिए एक बार, ये हैंडल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको कम ज़्यादा इस तरह आप ड्रैग करके, ये देखिए इसको ऊपर नीचे जैसे आपको करना है, इधर करना है तो इधर कर सकते हैं, इधर करना है जैसे आपका दिल करे कर सकते हैं। दूसरा बार पॉइंट को आप दूसरी जगह इस तरह शिफ्ट करके इधर ले जा सकते हैं, पॉइंट को इधर ले जा सकते हैं, जिधर आपका मन करे आप इसको ले जा सकते हैं। ये देखिए शेप मेरा बन गया। अगर आपको लगता है कि ना भाई ये शेप तो मेरा बन गया, एक शेप यहाँ पे भी अगर ऊपर में भी करना है तो सिंपली अगर इसको ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पे जाते हैं, एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ठीक उसी तरह आपको ये देखिए पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे लाके मैं अगर मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करता हूँ, फिर से ऐड पॉइंट कर दिया, एक पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मूथ पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हैंडल आ जाएगा। आप इसको जैसा मन करें, ये देखिए आप इस तरह शेप आप इजीली इसको घुमा सकते हैं, ऐसा शेप आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई पॉइंट मेरा नहीं चाहिए हमको, तो सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पॉइंट दिया हो, डिलीट पॉइंट भी आप कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखिए स्ट्रेट पॉइंट दिया हो, स्ट्रेट पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको स्ट्रेट करना चाहें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर दीजिए, ऐसे करना चाहें जैसा आपका मन करे, यहाँ से आप इस तरह से कर्व वगैरह भी ईजिली आप देखिए डिज़ाइन देखिए जैसा आपका दिल करे यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट करता हूँ, तो यहाँ पे हैंडल आ जाएगा। जैसा आपका दिल करे इससे आप डिज़ाइन शेप को कर सकते हैं, एकदम इजी तरीका। उसके बाद इसमें कलर अगर फिल करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। यहाँ पे अगर ज़्यादा कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कलर करना है तो यहाँ पे कलर आप इजीली आप यहाँ से फिल कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे फिल कर दीजिए। आउटलाइन अगर ये वाला नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन में जाके यहाँ पे नो आउटलाइन कर दीजिएगा, आउटलाइन भी चला जाएगा। एकदम सिंपल तरीका, फिर से देख लीजिए, फिर से मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 को ओपन करें, उसके बाद यहाँ इंसर्ट टैब में जाएं, जाने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएं, यहाँ शेप में जाएं, यहाँ पे देखिएगा रिसेंटली यूज्ड, यहाँ से आपको आना है लाइन वाला, ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ आइए, इस पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट क्लिक शिफ्ट की दबा के रखिए, ये मैंने शिफ्ट की दबा के रखा, फर्स्ट क्लिक शिफ्ट छोड़ा नहीं है, शिफ्ट दबा के रखा हुआ सीधा लाइन बनता जाएगा। ये देखिए एकदम ठीक यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, ठीक यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर दिया, इस तरह का शेप मेरा बन गया। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे कर्व करना है शेप, शेप तो मेरा बन गया। अब इसको बड़ा छोटा जो करना है आप घुमा सकते हैं, अगर घुमाने का मन करे तो इधर से घुमा भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, देख सकते हैं ऐसे घुमा भी सकते हैं। यहाँ से अंडू कर दीजिएगा, पहले की अवस्था में आप आ जाएंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडिट पॉइंट में जाइए, देखिए पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट सब जगह। अब मान लेते हैं यहाँ से मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए स्ट्रेट पॉइंट कर देता हूँ, इस तरह का शेप बन जाएगा। यहाँ पे हैंडल आएगा इस तरह, ही आप हैंडल पकड़ के इसको ऐसे ऐसे जैसा आपका दिल करे आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से इसको अंडू कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे था। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, इसको ले जाइए, ऑटोमेटिकली पॉइंट आ जाएगा। नहीं चाहिए पॉइंट, सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पॉइंट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड पॉइंट दे दीजिए, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मूथ पॉइंट कर दीजिए। अब यहाँ पे हैंडल आएगा, इसको आपको जैसे चाहिए इस तरह से शेप आप बना सकते हैं। ये देखिए शेप मेरा बन गया। अगर आपको लगता है नहीं पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चाहिए, ऊपर कर सकते हैं, नीचे चाहिए नीचे कर सकते, जैसा आपका दिल करे आप इसको इस तरह से आप शेप को दे सकते हैं। ये देखिए फिर से हैंडल आ गया दोबारा। अब इसको थोड़ा सा मुझे इधर करना है भाई, थोड़ा सा इधर करना है, इसको थोड़ा सा और इधर करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ये देखिए बन गया मेरा शेप, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। इस पॉइंट को भी आप आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह करके जितना आपका दिल करे, ये देखिए आ गया, यहाँ से इसको आप जितना करना है कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से जो कलर देना है इसको ले लीजिए, ये देखिए तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसमें जो कलर है यहाँ से भर दीजिए, शेप मेरा बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जैसा आपका शेप करे कर्व करना है, इसको आप कर्व कर सकते हैं, ईजी तरीका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।